हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए मिठाई। और ये मिठाई बनाना के लिए बहुत ही इजी है। हम काजू से बनाएंगे ये मिठाई, और ना इसमें मावा की ज़रूरत है ना बहुत ज़्यादा घिसे पिटे सामान की। तो इस रेसिपी को आप 10-15 मिनट से तैयार कर पाएंगे। चलिए बनाना शुरू करें। ये मिठाई हम दिवाली पूजन के लिए बनाएंगे। तो हमने लिया है 1 कप ये काजू लिया है, और काजू आप क्वांटिटी में, मैंने जैसे 1 कप लिया है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो। इसी के हिसाब से हमने 1 कप चीनी ले लिया है, और मीठा आपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, और मिल्क पाउडर के जगह मावा भी ले सकते हो, लेकिन आजकल डुप्लीकेट मावा आ रहे हैं तो मिल्क पाउडर लेना बेहतर रहेगा। तो इलायची पाउडर ले लेंगे, 1 टेबल स्पून घी ले लेंगे। ये हमारे इंग्रेडिएंट है, इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट की हमारी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करें। पहले गैस पे पैन रख दिया है, और गैस का फ्लेम सिम करके लो करके हमने ये काजू को भूनना है। काजू इसीलिए भूनना है, काजू में जो अगर नमी है तो ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल रेड नहीं करना है। तो ठंडा करने के बाद हम मिक्सी जार में डाल के इन्हें पीस लेंगे। ये काजू हमने पीस के तैयार कर लिया है। अगर मोटे मोटे दाने हैं तो आप इन्हें छान भी सकते हो। इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, एक बॉल में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसमें मिलाएंगे पाउडर मिल्क। जो हमने पाउडर मिल्क लिया है ना, उसी पाउडर मिल्क को हम मिला लेंगे। अभी हम चाशनी बना लेंगे। इसके लिए हमने गैस पे पैन रख लिया फिर से, और इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और 1 कप पानी, और इन्हें पहले लगातार चलाते हुए मिलाना है जब तक ये चीनी पिघल ना जाए। तब तक हमें इस तरह से चलाते रहना है। फिर इसके बाद हमें इसमें ये 1 तार की चाशनी बन जाए तब तक पकाना है। 1 तार की चाशनी बन गया है, हमने गैस ऑफ कर दिया है। गैस ऑफ करने के बाद हमने जो मिश्रण बनाया था काजू और मिल्क पाउडर का, ये थोड़े थोड़े डाल के हम इन्हें मिला लेंगे, और ये इसके साथ चाशनी के साथ, और ये धीरे धीरे मिलाना है। और पैन को हमने गैस में से नीचे उतार लिया है, और इसमें मिला देंगे इलायची पाउडर और देसी घी, और धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जाएगा, और जैसे जैसे ठंडा होगा गाढ़ा होते जाएगा, और ये घुटने लग जाएगा। ये इस तरह से घुट जाएगा, और हम इन्हें दूसरे प्लेट में इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक छोटा सा पार्ट लेके हमने इसमें कलर डालना है, क्योंकि मैं बेसिकली इसमें स्टफिंग भरना है, तो स्टफिंग के लिए मैंने कलर डाला है। हमने स्टफिंग के लिए 1 पार्ट को हमने कलर डाल के येलो कर लिया है, और एक जो बड़ा पार्ट रखा था इसमें हम इसको हम रोटी की तरह फैला लेंगे, और इस तरह से फैला के, और इसके अंदर ये जो रोल है वो डाल देंगे, और इन्हें रोल आउट कर देंगे। तो इस तरह से करके फिर हम इन्हें फ्रीज में रख देंगे। ये हमने बटर पेपर में रैप करके फ्रीज में रख दिया था। ये निकालने के बाद हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, अंडर स्टफिंग दिखाई दे रहे, 2 कलर का मिठाई है, और इन्हें हम सिल्वर वर्क से सजा देंगे। जैसे आपको पसंद है इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए, मैं कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इतने आसानी से इतने बढ़िया से कट जा रहे हैं, और ये मिठाई बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार बना के देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैंने रोल के जैसा बनाया, आप बर्फ़ी के जैसा भी बना सकते हो, पेड़े के जैसे। ये देखिए कितना बढ़िया मिठाई बन के तैयार है। इस मिठाई को आप दिवाली के दिन बनाइए पूजा के लिए, और आपको बहुत पसंद आएंगे। बाज़ार में आजकल डुप्लीकेट मिठाई मिल रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया मिठाई बन के तैयार है, और
आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।